आप देख रहे हैं SNN 7 News। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SNN 7 News और मैं आपका साथी कपिलेश शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के आंकड़े अब धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। कई उम्मीदवार विजयी रथ की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कई उम्मीदवार दौड़ से बाहर होते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बड़वानी जिले की, तो बड़वानी से राजन मंडलोई विजयी की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वे 12वें राउंड में राजन मंडलोई 13,541 मतों से आगे हैं। जी हाँ, 12वें राउंड तक की यहाँ पर मतगणना हो चुकी है। 12वें राउंड के बाद राजन मंडलोई 13,541 मतों से आगे दिखाई दे रहे हैं। हम बात करें पानसेमल की, तो पानसेमल में भाजपा 9वें राउंड के बाद भाजपा 13,625 मतों से आगे चल रही है। यहाँ पर शाम बर्डे 13,625 मतों से आगे चल रहे हैं और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हम बात करें सेंधवा की, तो सेंधवा में 7वें राउंड तक की मतगणना अभी तक प्राप्त हुई है। 7वें राउंड के बाद कांग्रेस के मोंटू सोलंकी 8,463 मतों से आगे चल रहे हैं। जी हां, सेंधवा में 7वें राउंड के काउंटिंग के बाद कांग्रेस के मोंटू सोलंकी 8,463 मतों से आगे चल रहे हैं। अब हम बात करें राजपुर की, तो राजपुर में 7वें राउंड के बाद जो स्थिति सामने आ रही है वो ये है कि भाजपा के अंतर पटेल 9,647 मतों से आगे चल रहे हैं। जी हाँ, राजपुर की हम बात करें तो राजपुर में भाजपा के अंतर पटेल 9,647 मतों से अभी आगे चल रहे हैं। पैसा कौन कमाना नहीं चाहता, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ और शायद आप भी। तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, म्यूचुअल फंड SIP में पार्टनर बनकर पैसिव इनकम कमाने के लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक 9827710237 9300001500 से।